सुबह 6 बजे और ये वीडियो स्टार्ट होगा। तो भाई सुबह के 6 बजे हैं फिर भी धूप। तो एक्चुअली सीन मेरे साथ ये हो रहा है कि लॉकडाउन बार बार बढ़ रहा है। अब देखो 15-19 तक लॉकडाउन था, अब 30 जून 1 तक लॉकडाउन कर दिया उड़ीसा में। तो भाई मेरे को रिस्क लेने का कोई भी मन नहीं है, ठीक है। वैसे भी मेरा काम बंद होकर पड़ा है और ये लॉकडाउन में मेरे पास पैसे नहीं हो रहे, ठीक है। तो मेरे को गाड़ी का ही में भरना है अगर यहाँ रहता हूँ, अपना खाना देखना है, रूम रेंट देखना है, जो कि भाई मेरे से हो नहीं रहा उतना। तो मैं डिसाइड किया हूँ मैं भुवनेश्वर छोड़ दूँगा। वेट 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 वेट, हर दिन के लिए भुवनेश्वर नहीं छोड़ रहा, मतलब आऊँगा 2-3 महीने बाद आऊँगा, जब एवरीथिंग गोज वेल, स्टेबल हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगा। तो भाई आज मैं अपना रूम का, मतलब जो रूम है रहे, मतलब हो जाएगा, देखते हैं अगर 2-3 महीने बाद आते हैं ये वाला रूम खाली रहा तो मैं ये वाला रूम फिर से लेने वाला हूँ, नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो भाई बस ये रूम का टूर एक छोटा सा दिखा दूँगा आप सबको कि मैं कैसा रहता था। बाद में नेक्स्ट देखते हैं कहाँ रहेंगे और क्या सीन रहेगा, कैसे रूम का सीन रहेगा। भाई नहीं मिलेगा मुझे, पता है ऐसा रूम तो नहीं मिलने वाला। वैसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया है ना, काटना चाहिए। अरे यार लॉकडाउन चल रहा है, बार बार तो खुला नहीं होगा। मैं सेव नहीं करने वाला, सॉरी। मैं घर जाता हूँ, घर मतलब राउकला जाता हूँ, उधर अगर कुछ अवेलेबल हुआ तो कर लेंगे, लेकिन मैं सेव नहीं करने वाला। तो भाई बस हमने तो लाइट लगा दिया आपको दिखाने के लिए। तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, मतलब मेरे रूम का गेट इधर है, निकलते ही सामने मेरे पास एक सेल्फ है जहाँ पर मैं सबसे ऊपर मेरा गैजेट रखता हूँ, जहाँ पर मेरा राउटर हो गया, मेरा जियो फाइबर का हो गया, ये R15 का ग्रिल है जो कि मैं इंस्टॉल नहीं किया हूँ, क्या वो मेरा हेलमेट है जिसमें कैमरा माउंट है और लुब्रिकेट है, और ऊपर एक्चुअली बहुत सारा सामान था, मैं वो भी बाद में दिखाता हूँ। लेकिन उसके बाद नीचे तो भाई कपड़े वपड़े हो गए और कुछ अपने मतलब डेली रेगुलर यूज जैसे साबुन वगैरह, फेस वॉश वगैरह हो गया, और उधर नीचे मेरा खाना पीने का सामान, और सबसे नीचे मैं कुछ रखता नहीं हूँ, वो कचड़ा हो गया गिरा हुआ है। तो भाई अगर रूम का गेट का सामने ही आते हुए तो दिखते तो इधर मेरा बेड है। तो भाई बेड में भी उतना खास नहीं है, वो मेरा बैग है जहाँ पर मेरा ये वाला कैमरा रखा हुआ था, तो मैं उसको निकाल दिया, और पीछे मेरा लाइट है, वो लाइट तो आप हर एक वीडियो में देख ही ले रहे होंगे। अब बेड के साइड में ना एक मेरे को सोफ़ा मिला था, इसी जब मैं ये वाला रूम लिया था ना तो सोफ़ा मिला था, तो मैं वो वाला रूम में सोफ़ा को क्या किया, मेरा कंप्यूटर डेस्क कर दिया, नीचे बैठ जाता हूँ, ये चेयर है तो नीचे बैठ जाता हूँ और कंप्यूटर यूज़ करता हूँ। देन आफ्टर पीछे की तरफ देखूँ तो एक ब्लैक कलर का मैंने एक बनवाया था फ़ोटो वगैरह उठाने के लिए, बहुत यूज़ होता है बैकग्राउंड के लिए। देन इस तरफ आते हैं तो एक हैंगर मिल जाता है, इधर पूरा साफ़ है और कुछ है नहीं। अगर नीचे का तो मैं बता रहा था, ऊपर एक्चुअली सारे डब्बे पड़े हुए थे, सारे बॉक्स के, ये जो बॉक्सेस हैं क्या कंप्यूटर्स के, मॉनिटर्स के, UPS के, तो वो सब मैं निकाल के रखा हूँ क्योंकि मुझे ये पैक करना है और पैक करके कोरियर भेजना है राउल किला। तो भाई मेरा प्लान ये है कि मेरा जो कंप्यूटर है, मतलब CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, UPS सारे डब्बे में भर के डायरेक्ट भेजना है राउल किला। देन आफ्टर ये गद्दा वद्दा जो है मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ रख दूँगा, और सोच रहा हूँ ये जो लाइट्स वगैरह हैं वो ट्राईपोड स्टैंड है उसको भी मैं राउल का लेके चले जाऊँगा। और रहा जियो फाइबर को, जियो फाइबर मैं सोच रहा हूँ किसी को दे दूँ क्योंकि भाई हेल्प हो जाएगा, दे दूँगा आपको। नया ऑर्डर ऊपर छोटा मोटा जो चीज़ है वो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ रख लूँगा यहीं पर भुवनेश्वर में, और भाई उतना कुछ है नहीं और बस इतना ही। लेकिन यार सच बोलूँ तो मुझे मन नहीं है कि मैं ये रूम छोड़ूँ, अब फोर्सफुली काम वगैरह नहीं चल रहा, अब बस घर में बैठ के स्टॉक पे ध्यान देना है, तो माइंड बहुत ख़राब है। मैं कोई रूम नहीं छोड़ना था, मेरे लिए बहुत अच्छा रूम था, मैं अकेले रहता था भाई, प्राइवेट स्पेस सब कुछ मेरा प्राइवेटली, लेकिन क्या करें सिचुएशन हर वक्त सेम नहीं होता। तो भाई बस मतलब 2-3 दिन में पैक वगैरह करके भुवनेश्वर छोड़ना है, राउकला भागना है, देखते हैं 2-4 महीने बाद आएंगे जब लॉकडाउन का सीन नहीं हुआ, स्टेबल हो जाएगा। अब केसेस पता है उड़ीसा में कितना आ रहे हैं, पहले जितना मुंबई में आते थे मैं एक दिन का 10,000-12,000, अब उड़ीसा में वो चीज़ आता है, मतलब एक दिन का 10,000-12,000, मतलब सोचो कितना ज़्यादा कोविड बढ़ चुका है। मुझे भी अपना मतलब स्ट्रिक्टली गाइडलाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा, अब कुछ किया जा नहीं सकता तो फिर जाना पड़ेगा, अब क्या कुछ कर नहीं सकते भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी यार वो निशान नहीं छोड़ना है।
तो भाई शाम के 6 बज गए, पता भी नहीं चला कब सोते सोते, मतलब एक छोटा सा नैप लेने का कोशिश किया लेकिन शाम के 6 बज गए। तो अभी गया मैं अपना फेस वॉश वगैरह करके आ गया, सोने के उठ के बाद एक बार कर लेना चाहिए, लेकिन भाई गर्मी बहुत है और गर्मी के चक्कर में ना मेरा वो घमौरियाँ हो गए हैं, मतलब 4-5 सालों में के बाद, मतलब समझ रहे हो इतना गर्मी हो रहा है, एसी वगैरह तो है नहीं। फिर भी प्लान मेरा ये है कि मैं परसों तक निकल जाऊंगा, लेकिन देखते हैं क्या, इधर तो पैकिंग है ये सब, आज ये वाला वीडियो एडिट होगा इस कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर एडिट होके आज ही रात को मैं सोचूंगा अपलोड कर दूंगा, जिसको मन होगा देखना, जिसको नहीं मन होगा देखना भी देखना, दोस्तों को भी दिखाना, प्लीज़ शेयर करना दोस्तों के साथ। तो भाई बस आज के लिए बस इतना ही था, अपना छोटा सा एक रूम टूर दे दिया, कंप्यूटर का टूर दे दिया, एक मैकलिन का एक वॉलपेपर है, बहुत बढ़िया वॉलपेपर है, और मेरा कोई मार्क कर रहा होगा तो मेरा टैक्स भर मतलब ट्रांसपेरेंट है। अगर किसी को चाहिए होगा ना ये सब वॉलपेपर, ये टैक्स बार कैसे ट्रांसपेरेंट करना है, यहाँ पर मेरा बीच में सॉफ्टवेयर्स हैं, साइड में सॉफ्टवेयर्स नहीं है, साइड में स्टैंड बार है ओनली। तो अगर ऐसा किसी को चाहिए होगा तो मेरे को बताना, मैं उनको डायरेक्ट भेज दूंगा सॉफ्टवेयर्स वगैरह। बहुत कूल सॉफ्टवेयर होते हैं, उतना यूज़ नहीं होता बैकग्राउंड में, उतना प्रोसेस नहीं होते हैं, मतलब ना के बराबर, जैसे आज नॉर्मल पीसी चलता है वैसा ही है, बैकग्राउंड में उतना प्रोसेस नहीं लेता। तो भाई बस आज के लिए तो इतना ही था, ख़त्म करते हैं वीडियो, वीडियो शायद में भी बहुत लंबा हो जाएगा या पूरा छोटा हो जाएगा, मेरे को पता नहीं है, सुबह का एडिट अभी का एडिट घुमा फिरा के छोटा ही करना है, वाट एवर। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इंस्टाग्राम में पक्का फॉलो करो यार, कोई फॉलो नहीं करता, वाट एवर, 95% लोग सब्सक्राइब भी नहीं किए हो, सब्सक्राइब करो, उसके बाद भाई को आगे बढ़ाओ, दें देखते हैं आगे होता है क्या, वैसे भी भुवनेश्वर छोड़ रहे हैं, आगे का प्लान राउरकेला में ही देखते हैं, फिर आएंगे 2 महीने बाद, वाट एवर, यहीं पर एंड करते हैं वीडियो, चलो टाटा बाय बाय।